हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपास किचन। फ्रेंड, आज मैं फिर से आपके लिए एक बार मोदक की रेसिपी लाई हूँ, जो कि बहुत टेस्टी और यूनिक होने वाले हैं। आज हम बनाएंगे पान मोदक। तो फ्रेंड, आज की रेसिपी इतनी बढ़िया होने वाली है कि रेसिपी लास्ट तक जरूर देखिए। मोदक के लिए हमें यहाँ चाहिए एक कटोरी डेसिकेटेड कोकोनट, हाफ कटोरी मिल्क पाउडर, हाफ कटोरी चीनी, हाफ कटोरी दूध। फिर यहाँ मैंने लिए है कुछ ड्राई फ्रूट्स, जिसमें लिए है काजू, बादाम और पम्पकिन सीड्स, 4 चम्मच गुलकंद और 2 चम्मच मैंने यहाँ लिए है स्प्रिंकलर। और पान के मोदक है तो यहाँ हमें चाहिए 4 खाने के पान। अब हम लेंगे एक मिक्सी पॉट और उसमें डालेंगे खाने के पान। यहाँ मैंने पत्तों को अच्छे से धोकर साफ कर लिया है और उसकी जो डंठल है वो भी निकाल दी है। अब हम इसे टुकड़े करके पॉट में डाल देंगे। फिर हम डालेंगे हाफ कटोरी चीनी और डालेंगे 3 से 4 टेबलस्पून इतना दूध और इसे हम अच्छे से बारीक पीस लेंगे। देखिए फ्रेंड, यहाँ हमने पान और चीनी का अच्छे से मिश्रण बना लिया है। अब हम इसे निकालेंगे एक कटोरी में। अब हम गैस पर रखेंगे एक कढ़ाई और उसमें डालेंगे 1 चम्मच घी। घी मेल्ट होने पर अब हम डालेंगे 1 कटोरी डेसिकेटेड कोकोनट और इसे आधे मिनट तक घी में भून लेंगे। इससे कोकोनट का कच्चापन निकल जाएगा। आधा मिनट हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे पान और चीनी का जो हमने बारीक बनाया था वो घोल। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है और इसे अच्छे से मिक्स करना है। इसके बाद हम डालेंगे हाफ कटोरी मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है, लेकिन मिल्क पाउडर से हमारे मोदक बहुत ही सॉफ्ट होने वाले हैं। अगर आपके पास हो तो आप इसे जरूर डालिएगा। अब हम मिल्क पाउडर को भी अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे। मिल्क पाउडर अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम डाल देंगे दूध। तो हमने आधी कटोरी से थोड़ा सा दूध पान पीसते समय यूज किया था, बाकी का दूध हमने इस मिश्रण में डाल दिया है। अब हमें इसे पैन छोड़ने तक अच्छे से पकाना है। इसमें ओरिजिनल पान का कलर तो बहुत सुंदर आ गया है, लेकिन यहाँ मुझे और थोड़ा ग्रीन कलर चाहिए, तो मैं यहाँ डाल दूंगी 2 से 3 बूंद ग्रीन फूड कलर। ये डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है, लेकिन यहाँ मुझे थोड़ा ग्रीन कलर और चाहिए था। अगर आप बिना फूड कलर के भी बनाएंगे तो वो भी बहुत सुंदर दिखेंगे। यह हमारा मिश्रण अच्छे से पैन छोड़ने लग गया है, मतलब यह हमारा मिश्रण मोदक के लिए तैयार है। पर हम इसे निकालेंगे एक प्लेट में और इसे पूरी तरह से ठंडा करने के लिए रख देंगे। देखिए फ्रेंड, यहाँ मिश्रण अच्छे से ठंडा हो गया है। अब हम इसे रखेंगे साइड में और लेंगे 4 चम्मच गुलकंद। ये गुलकंद मैंने घर पर ही बनाया है। इसमें डालेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। फिर हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मैं गुलकंद की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप उसे देख लीजिएगा। अब हम डालेंगे स्प्रिंकलर। ये डालना भी पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डालिए, वरना इसे डालना स्किप कर सकते हैं। इसमें आप सौंफ भी डालिएगा, लेकिन यहाँ मैंने गुलकंद में पहले से ही सौंफ डाली थी। तो यहाँ देखिए, हमारा स्टफिंग हो गया है तैयार। अब हम लेंगे
एक मोदक का मोल्ड और इसे अच्छे से घी से ग्रीस कर लेंगे। अब हम मोल्ड में भरेंगे हमारा कोकोनट पान का मिश्रण। फ्रेंड, ये मोदक खाने में इतने टेस्टी लगते हैं कि आप तो इसे एक बार जरूर ही बनाकर देखिए, आप तो इस मोदक के फैन हो जाएंगे। इससे पहले भी मैंने उकड़ीचे मोदक और मलाई कोकोनट मोदक की रेसिपी शेयर की थी। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दी है। अब मैंने मिश्रण अच्छे से मोल्ड में सेट कर दिया है। अब हम डालेंगे हमारी गुलकन ड्राई फ्रूट की स्टफिंग और इसे अच्छे से दबाते हुए हम फील करेंगे। स्टफिंग भरते समय बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। अब हम इसे मिश्रण लगाते हुए सील कर देंगे और जो एक्स्ट्रा का पार्ट है उसे हम हटा देंगे। अब हम साचा खोलेंगे। देखिए फ्रेंड, यहाँ कितने बढ़िया से हमारा पान मोदक बनकर तैयार हो गया है। अब हम जो साइड से किनारे है उसे थोड़ा प्रेस करेंगे जिससे कि हमारा मोदक बहुत सुंदर दिखेगा। देखिए फ्रेंड, कितने बढ़िया से हमारा मोदक बन गया है। अब हम इसे रखेंगे एक प्लेट में। अब मैं आपको दूसरे मोल्ड से भी मोदक बनाकर दिखाती हूँ। अब हम ऐसा मोदक बनाएंगे। अब मैं लूंगी एक प्लास्टिक का मोल्ड जिसे मैंने पहले से ग्रीस कर लिया था। इसमें भी हम पान और कोकोनट का मिश्रण भर देंगे और इसे बंद करके अच्छे से सेट करेंगे। फिर से हम गुलकंद वाली स्टफिंग भर देंगे। फ्रेंड, आपको मेरी आज की पान मोदक की रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज कमेंट्स कर जरूर बताइए और रेसिपी को एक लाइक जरूर करिए। देखिए हमारा दूसरे मोल्ड का मोदक भी बनकर तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं फ्रेंड, दिखने में भी कितने सुंदर हमारे मोदक हो गए हैं। अब हम इस पर थोड़ा सा करेंगे सजावट। तो यहाँ मैं लगा दूंगी थोड़े से स्प्रिंकलर। देखिए फ्रेंड, कितने बढ़िया से और कितने यूनिक हमारे पान मोदक तैयार हो गए हैं। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए। फ्रेंड, मैं आपको मोदक तोड़ के दिखाती हूँ। ये सुंदर और टेस्टी मोदक आप भी जरूर बनाइए। मिलते हैं ऐसी ही बढ़िया, हेल्दी और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।